आज हम लोग देखेंगे स्टेट पीसीएस के लिए जो हिस्ट्री की बुक आती है घटना चक्र पूर्वावलोकन, उसके हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे, और उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप 700 पेजेस के करीब में टोटल बुक ये जो हमें प्रोवाइड किया गया है उसमें है, लेकिन आप 700 पेजेस अगर पढ़ भी लेते हैं तो उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। 736 ये आप देख सकते हैं, 736 पेज तक है, तो इतने पेजेस को पढ़ के उसको रिटेन कर पाना इजी नहीं है। तो जो रिटेन करना मतलब ऑब्वियसली आपको पूरा बुक करना चाहिए, बट आप जिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब फर्स्ट रीडिंग करने के बाद अगर सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग करते हैं आप, तो इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी पे इनका रिविजन्स ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स करेंगे, वो है कोई भी पीसीएस हो सकता है। आप अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं या फिर आप बीपीएससी दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, कोई भी अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, और तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सब टॉपिक्स को कंप्लीट करके जानना। वो टॉपिक्स होगा, पहला होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री में, उसके बाद वैदिक एज, आप उतने प्रायोरिटी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बौद्धिज्म और जैनिज्म छोड़ के नहीं जाना है। ये बौद्धिज्म जैनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम में आपको बौद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि बौद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद आपको महाजनपद वो आपको करना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल कंडीशंस, इसी में महाजनपद वगैरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन, ठीक है। इसमें इतना इतना करने के बाद आप छोड़ सकते हैं, बट आप अगर चोला चेराज और पांड्याज कर लेते हैं साउथ का, तो आपका साउथ का भी संगम एज के टाइम का भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप नॉर्थ और साउथ एंशिएंट का आपका टोटल वो हो जाएगा कंप्लीट, उसमें आपकी कुछ भी चीज़ छूटेंगी नहीं। जहाँ तक कि आप मेडाइवल में जाते हो, तो मेडाइवल में मुस्लिम इन्वेजन से क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, लेकिन अगर इसको आप करना चाहे तो कर सकते हैं, फ्रूटफुल रहेगा। फर्स्ट रीडिंग तो बिल्कुल करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट रीडिंग बिल्कुल करिए, लेकिन जब रिवीजन की बारे में आप आते हैं तो आप स्लेव डायनेस्टी को कीजिए, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी भी एक ऐसी टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, जो हर बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टी में, तो स्लेव डायनेस्टी में कुछ और जो जो आपको स्लेव डायनेस्टी में, तो स्लेव डायनेस्टी में आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, आप या लोदी हो गया, खिलजी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, जितने भी स्लेव डायनेस्टी में जो कोई भी है, सबको ही आपको करना। उसके बाद सीधा आप आ सकते हैं सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह और आर्ट एंड कल्चर, इसमें आपको वो पगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह, और उसने जो भी करेंसी का चेंज किया, या फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद आपको भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं इसके लिटरेचर पार्ट से, यहाँ की कौन से किस टाइप से इसका डेवलपमेंट हुआ भक्ति सूफी मूवमेंट का, और कौन सा सेक्ट का कौन सा लिटरेचर रहा है, जैसे कबीर दास का और सूरदास का, सूरावली और ये सब टाइप का सारा उसके लिटरेचर्स को आपको देखना चाहिए। उसके बाद आ गया आपको मुगल्स को तो आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपको ये ध्यान करके बहुत वो होगा कि आप ये देखिएगा, तो यहाँ देखिए पूरा मुगल्स इनका ख़त्म हो जा रहा है 50 पेजेज में। तो मुगल्स आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम में आप पूरा मुगल्स को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा मुगल्स आपका हो जाएगा। मुगल्स के बाद आपको जो करना है वो करना है मराठा स्टेट्स, और मराठा और मुगल्स के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई ये दोनों साथ साथ मैच करती है। इसके साथ साथ आपको एंग्लो मराठा वार्स भी आपको करना पड़ेगा, वो जो अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ हुई थी मराठाओं से, वो तीनों वार्स भी आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कौन से ट्रीटी हुई है, किस जगह पे ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी में क्या थे, ज़्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाना, इतना भी कर लोगे तो आपका हो जाएगा। दोनों तरफ से लीडर्स कौन थे उस टाइम में, उसके शिवाजी का जो स्ट्रक्चर था, उनका जो
जैसे नौ रत्न होते हैं उनके जो किंगडम के रत्न थे उन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। इतना कर लेने के बाद आपका एंशियंट और मेडाइवल हो जाएगा, इससे आपको इससे बाहर का क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। और अब जब ये मुग़ल पीरियड कर रहे होंगे तो मुग़ल पीरियड में आपको करना है अकबर और हुमायूं बड़िए से, उसके बाद आपको सीधा आ जाना है शाहजहाँ और औरंगजेब पे, क्योंकि इनके टाइम पे जब ये ब्रिटिश का जो एडवेंट हो रहा था उस टाइम में किसने दस्तक दिया और किसके कोर्ट में आया था, ये सब टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। उसके बाद अगर हम मॉडर्न पे चले तो मॉडर्न में तो आपको ऑब्वियसली इस बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बट आपको जो करना है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, कौन सी कंपनी पहले आई उसके बाद कौन सी आई, तो इस टाइप से आपको करना है डच, पोर्तुगीज, डच, उसके बाद ब्रिटिश, इस टाइप से आपको करते जाना। और उसके पहली पहली कंपनीज की क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ सेटअप हुई, एक्चुअली फैक्ट्री नहीं होती थी लेकिन वेयर हाउस होते थे, उसको कहाँ कहाँ सेटअप किया गया वो भी आपको करते हुए चलना है। और ईस्ट इंडिया कंपनीज एंड नवाब्स ऑफ बंगाल्स, ये क्योंकि दस्तक वगैरह तो वहीं से मिला था, पहला उनका जो पॉलिटिकल होल्ड बनाया था वो तो उन्होंने बंगाल में ही बनाया था, तो ये हो गया। ऑब्वियसली ऐसा है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा 8-9 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं तो इसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, बट जहाँ जब तक आप 1857 का रिवोल्ट इसको अच्छे से कर ले, उसके बाद जो अलग अलग अपराइजिंग है तो अपराइजिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपराइजिंग और उसके लीडर्स कौन थे और किस एरिया में हुआ था, ये सब भी आप करते जाए तो ये भी काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन, प्रेस और ये सब किस टाइप से डेवलपमेंट हुआ है, ये सब आप फर्स्ट रीडिंग में करते जाइए। इसके बाद आपके आपका जो कांग्रेस का सेशंस है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद 1905 से लेकर के 47 तक इसके बीच में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके बीच में आप कुछ भी छोड़िएगा तो एग्ज़ाम में आपको नुकसान हो सकता है, आपके जो क्वेश्चंस बाकी लोग करेंगे और आपका छूट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि देखिए आप यहीं देखें त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस और इस टाइप का जो भी क्राइसिस है, गांधी जी का वो किया, गांधी इरविन पैक्ट, जैसे ही गांधी जी इंडिया आते हैं उसके बाद से इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल सी चेंज हो जाती है। वो पूरा चेंज आपको अच्छे से पता होना चाहिए इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए। और जहाँ तक बात रही इन सब टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की, तो अगर आप लोगों को ये अगर मैं आप चाहोगे तो ये PDF में आपको मैं दे दूँगा, बट अगर वीडियो चाहते हो इन सब टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना दूँ तो हेफ्टी बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, बट अगर आप चाहोगे तो मैं कर दूँगा, पर टाइम लगेगा लेकिन मैं कर दूँगा, ऐसा धीरे धीरे करके मैं वीडियोज़ बना दूँगा इस पर अगर आप चाहते हो तो। और इसके बाद आप जब इतना कर लेने के बाद आप टेस्ट लगाइए, वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस करने के बाद आप टेस्ट में, मुझे नहीं लगता कोई भी टेस्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, बहुत अच्छा ही स्कोर करेंगे इसके अलावा। और जहाँ तक बात रही इस बुक की, तो ये बुक आप ख़रीद सकते हैं या PDF फॉर्मेट में हर जगह अवेलेबल होता है, आप अवेलेबल वो कर करके उसे भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि ख़रीद लें, और आपका जो अपना पर्सनल हैंड आउट रहता है उस हैंड आउट होने के बाद बहुत अच्छा से इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें आप अपना नोट्स लिख सकते हैं, बाद में रिवीजन टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं लोग तो इसे नोट्स भी बनाते हैं, अलग से सेपरेट नोट्स बनाते हैं, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और एग्ज़ाम्स केवल आपको हिस्ट्री तो नहीं पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना है, तो मैं कहूँगा कि आप बुक्स में ही मार्किंग करते चले, जो बाद में आपको रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा, और उसको देख देख करके बस जो आपने मार्क कर रखा उसको रिवाइज करते करते आप ये बुक आराम से 7-8 घंटे 10 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, जब रिवाइज करने को एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम से ज़रूरत पड़ेगी तो। बट जब फर्स्ट रीडिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, दिस इज़ द बेस्ट। आपके पास PYQ आपका हो गया, उसके बाद जो पूरा सिलेबस है उसे कंटेंट, अब जहाँ तक इसको अगर आप देखते हैं तो पहले कंटेंट्स भी इसमें, कोई भी अगर टॉपिक्स आता है तो उससे पहले इसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो आपको मिल जाता है, उसके बाद इसमें MCQ मिलते हैं और MCQ के अंदर भी एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे यहाँ पे गुप्ता और पोस्ट गुप्ता का है, तो पहले गुप्ता और पोस्ट गुप्ता जैसे
किसके बारे किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, श्री गुप्त, उसके बाद कौन सा डायनेस्टी में कौन सा रूलर आया, महाराजा धीराज किसको बोले, प्राग प्रशस्ति कहाँ पे बना, इस टाइप से सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या रहेगा कि क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। फिर क्वेश्चंस आ गए तो क्वेश्चन ये रूल्ड किस टाइम एरा में रूल करता था, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन रहा है, पूछा जा चुका है। तो उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे आंसर दिया हो, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हो। ऊपर पढ़ने के बाद फिर इसे आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो डबल ट्रिपल रिवीजन आपका हो जाएगा फर्स्ट बार में ही। बट अगर आप पूरा कर लेते हैं ये आपका एक कम्प्रिहेंसिव ओवरऑल प्रिपरेशन हो सकता है हिस्ट्री का, टोटल हिस्ट्री है, एंशियंट का हो गया पार्ट। आप मेडाइवल में जाएगा, मेडाइवल में भी मिल जाएगा, जैसे आप मॉडर्न का देख लीजिए, रॉयल एक्ट और जॉर्ज जालिया वाला बाग मासेकर, इसका भी एक्ट का देख लीजिए, कॉल्ड एज नो वकील नो अपील नो दलील रॉयल एक्ट एक्ट, और को किसके टेन्योर में पास हुआ था, जेम्स फोर्ड के, गांधी जी यूज टू। थ्री स्टेजेस में इसको यूज किए थे अपने उसमें, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। उसके पहले ऊपर में आपके पास पढ़ने को मिल जाएगा कंटेंट, के बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चंस के बाद आपको वो क्वेश्चन जब करेंगे तो उसके साथ देखिए आईएएस की में 2019 में यूपीएससी में भी वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो झारखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है, रॉयल एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था, पास टू क्या क्या चीज़ करने के लिए बात किया गया था, ब्रिंग एग्रेरियन रिफॉर्म, हैव कर्टेल द नेशनल एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, और पुट सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिमिनल्स ऑन ट्रायल। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से दे रखा है। तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप चाहते हैं कि मैं इस पर अगर वो बनाऊँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो जो टॉपिक्स करना है मॉडर्न में तो सारा करना है, इधर का आप एंशियंट और मेडाइवल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लग जाइए, ये एक अच्छा सा सोर्स है। इसके बाद भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।